आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड एरा में दुनिया का हर एक इंडिविजुअल किसी न किसी कारण से सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है, और अगर यही सोर्स ठप हो जाए तो क्या होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तकरीबन 7 घंटों के लिए डाउन था। यूजर्स करीब 7 घंटों के लिए इन सोशल मीडिया साइट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के यूजर्स को फेस करना पड़ रहा था। हम आपको बता दें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल मीडिया साइट है, और इसके शटडाउन के कारण पूरे विश्व में अफरा तफरी मच गई थी। आम आदमी को इस आउटेज के वजह से काफी सारी मुश्किलों का सामना करना तो पड़ा ही था, लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्क जकरबर्ग जो कि इन 3 ऐप्स के फाउंडर है, उन्हें तकरीबन 5.9 मिलियन का लॉस हुआ। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन का घाटा हुआ है। हाल ही में 7 दिसंबर 2020 को व्हाट्सएप में भारत में पेमेंट्स फीचर को ऐड किया गया था। पेमेंट्स ऑप्शन आने के बाद व्हाट्सएप भी एक तरीके से ट्रांजैक्शन सोर्स बन गई थी, लेकिन क्या कल के आउटेज के बाद व्हाट्सएप पेमेंट्स करना रिलायबल है? हैरानी की बात तो यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इतनी एडवांस टेक्निकल टीम है, क्या फिर भी कभी भी वो इस दिन के लिए तैयार नहीं थे? आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर चल रहे होंगे कि आखिर में इस आउटेज के पीछे का कारण क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डाउन होने के बाद यह साफ नहीं हो सका था कि इसके पीछे की वजह आखिर में है क्या। कुछ लोगों ने इसे साइबर अटैक बताया था, तो किसी का कहना था कि ये एक DNS इशू है। वहीं पर हम आपको ये बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को 60 मिनट्स के एक इंटरव्यू के दौरान ये मालूम चला कि फॉर्मर फेसबुक एम्प्लॉय फ्रांसिस होगन ने दावा किया था कि उन्होंने फेसबुक रिसर्च पेपर को परखा और ये सामने आया कि फेसबुक हेट और मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहा है, और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर US फेडरल लॉ एनफोर्समेंट में भी कंप्लेन दर्ज कराया था। उन्होंने ये भी कहा कि लेटेस्ट फेसबुक एल्गोरिदम पब्लिक को इंगेज करने के लिए पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रही है, और इसके चलते इंस्टाग्राम के थ्रू टीनेज लड़कियों के मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि फेसबुक सिर्फ अपना प्रॉफिट जनरेट करने में लगी है बल्कि पब्लिक सेफ्टी में नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि संडे को उनका इंटरव्यू आने के बाद ही अगले दिन ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ब्लैकआउट देखने को मिला। तो अब देखना यह है कि जो फेसबुक के फॉर्मर एम्प्लॉय ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, क्या उसके बाद ही फेसबुक ने अपने सारे एप्स को ब्लैकआउट किया, या यह एक साइबर अटैक था, या महज एक सर्वर क्रैश।